नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे जोधानी फूड कार्यालय में आयकर विभाग ने मारा छापा, जरूरी दस्तावेजों को किया जब्त। भागलपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राजद और जदयू पर कसा तंज, कहा सीएम की गंदी राजनीति से पिछड़ रहा है बिहार। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान, अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी। सिंगल यूज प्लास्टिक कारोबारियों से निगम प्रशासन ने वसूला जुर्माना, आम लोगों से उपयोग नहीं करने की अपील। और अवैध संबंध को लेकर हुई थी अनुज की हत्या, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में इन दिनों आयकर विभाग के द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है, वहीं इसको लेकर शुक्रवार को भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय में ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी अभियान अहले सुबह से ही शुरू हो गई, जहाँ आईटी अधिकारियों ने कंपनी के तमाम दस्तावेजों को खंगाला, साथ ही जीएसटी बिल और अन्य जरूरी कागजात की जाँच की। आयकर विभाग की टीम ने घंटों बारीकी से पूरे कार्यालय एवं इलाके का जायजा लिया और कंपनी के एमडी सहित तमाम लोगों से भी पूछताछ की। बता दें कि इनकम टैक्स अधिकारियों के छापेमारी लंबी चलने की खबर है, जबकि फिलहाल इस पर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि जोधानी फूड प्राइवेट लिमिटेड मामले में अब तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है, जबकि आयकर विभाग के कमिश्नर का इस संदर्भ में किसी तरह का औपचारिक बयान भी सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन शुक्रवार को भागलपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने जदयू और राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में लालटेन टंग जाता है, उस क्षेत्र का विकास भी रुक जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नक्शे कदम पर चल रही थी और बिहार में कई उद्योग भी लग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की गंदी राजनीति के कारण बिहार फिर से पीछे जाने लगा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में जिस गति से उद्योग लग रहे थे, उसी गति से उद्योग को थप्पड़ लग गया है और इसका नुकसान सूबे के लोगों और युवाओं को हो रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश में कमल खिलेगा और कहीं भी तीर और लालटेन नहीं दिखेगा। वहीं इसके बाद सैयद शहनवाज हुसैन ने पीरपैंती में हुए महिला हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करती है, जबकि इसके बाद वह मृतक महिला नीलम देवी के परिजनों मिलने पीरपैंती के लिए रवाना हो गए। काम में पूरी ताकत से लगे रहते हैं और इसलिए आज जो माहौल बना है कि हम लोग कुरहन्नी जीतने के बाद बिहार में 40 की 40 लोकसभा कैसे जीतें, इस पर बीजेपी अभी से मंथन कर रही है। बिहार के अंदर हम लोगों को कोई बीजेपी के नेता का कसूर नहीं था, डेवलपमेंट हो रहा था, उद्योग और रोजगार पहली बार लग रहा था, उद्योग में बहुत काम हो रहा था। खुद मुजफ्फरपुर जिले में 3-3 इथेनॉल प्लांट, वहाँ पर टेक्सटाइल का बड़ा पार्क शुरू हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही देखने गए थे, तो उन वहाँ के लोगों को भी लगा कि ये काम रुका कैसे। जहाँ लालटेन टंग जाता है वहाँ विकास रुक जाता है, तो इसलिए बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को जो साधुवाद आशीर्वाद के तौर पे दिया है, इसको बीजेपी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, उसको हम लोग पूरी तरह निभाएंगे और लोकसभा की रणनीति अभी से बनाएंगे। 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। भागलपुर में इन दिनों शहर के कई इलाकों में जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल सदर एसटीओ धनंजय कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जहां सदर एसटीओ ने सड़क पर अवैध रूप से दुकान चला रहे विक्रेताओं को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर निर्देशित किया। इसको लेकर सदर एसटीओ ने कहा कि जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई कार्य चलाए जा रहे हैं, जबकि सड़क पर बेवजह अतिक्रमण होने के कारण विभाग के कर्मचारियों को काम करने में
समस्या होती है, जिसको देखते हुए शहर में लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले विक्रेताओं और मकान मालिकों को इसकी सूचना आधिकारिक तौर पर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिरिक्त बल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी से नाला निर्माण का कार्य होना है, तो चूंकि इंक्रोचमेंट है दीवार साइड से, तो उसके लिए नाला निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन लोगों को हटवाया जा रहा है ताकि हम लोग सौ समय 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा नाला बन जाएगी। सभी लोगों को उससे सहूलियत रहेगा, जो ड्रेनेज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्या सर, नाला बनने के बाद फिर से लगा? नहीं, देखिए, जिसमें नगर निगम का जो वेंडिंग जोन है, जहाँ से जहाँ तक निर्धारित है, केवल उसी में दुकानों पर लगाया जाना मतलब है अपेक्षित है, और वो फुटकर विक्रेता है, वहाँ पर परमानेंट दुकानें नहीं लगेंगी। कभी भी जो भी फुटकर विक्रेता का जो वेंडिंग जोन चिन्हित किया जाता है, वहाँ पे टेम्प्रोरी, जैसे कोई ठेला पे बेच रहे हैं वो है, ऐसा नहीं है कि उनको जगह चिन्हित करके किसी एक पार्टिकुलर आदमी को दिया। भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पॉलीथीन खरीद बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होता देख सभी फुटकर दुकानदार भी वहां पहुंच गए, जहां पर पॉलीथीन का कारोबार हो रहा था। वहीं अधिकारियों ने कारोबारी से जब पॉलीथीन बंद होने की बात कहकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने की बात कही, तो सवाल सुनते ही कारोबारी भड़क उठे। वहीं देखते ही देखते इसको लेकर दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पॉलीथीन कारोबारी पर 4,000 जुर्माना लगाकर रसीद कारोबारी को थमा दिया गया। इसको लेकर अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार चलती रहेगी। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने भागलपुर के आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है, इसलिए इसका उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसके तहत हम लोग छापेमारी करते हैं और सिंगल यूज करने वाले लोगों पर फाइन करते हैं या उसके जब्त करते हैं। कितना फाइन? आज 20 kg फाइन, उसको फाइन 4,000 रुपया किए हैं, जिसकी रसीद उसको दिए हैं हम लोग। आम दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों से, दुकानदारों से भी और प्लस भागलपुर की आम नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि अगर सरकार द्वारा ऐसा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है तो उसको नहीं करें ये लोग। भागलपुर अकबर नगर थाना क्षेत्र के मोतीचक दियारा में बीते सोमवार की देर रात्रि एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने 24 घंटा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्भेदन कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अकबर नगर मोतीचक दियारा में अनुज कुमार की बांस के डंडा से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में CTSP और उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर 24 घंटा के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जाँच में स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिससे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विनय मंडल, सहयोगी चंदन कुमार एवं बबलू मंडल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल एवं हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। DSP गौरव कुमार ने कहा कि घटना का कारण गिरफ्तार अभियुक्त विनय मंडल का मृतक अनुज कुमार की पत्नी से अवैध संबंध बताया जा रहा है, जिसको लेकर अनुज की हत्या कर दी गई। वही छापेमारी टीम में सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, शाहकुंड थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा, SI सूरज कुमार, SI संतोष कुमार सहित कई शामिल थे। ये कल 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से मारकर हत्या कर दी गई है, और पुलिस को सूचना मिलते ही ये पुलिस टीम वहाँ पे मोतीचक जो भैया है वहाँ पे स्पॉट पे पहुँची, और उन्होंने देखा कि लाठी से और ईंट से मारकर गला घोटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए CTSP सर भागलपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, और 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने इस कांड का सफल हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया है, और इस कांड में FSL टीम और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत कारगर इस्तेमाल किया गया है। जो डॉग स्क्वाड है उसके थ्रू हमने जो प्रारंभिक जो अनुसंधान है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने जो नामजद जो प्राथमिकी अभियुक्त है विनय मंडल, उसको हमने गिरफ्तार किया, और विनय मंडल को गिरफ्तार करते हुए उनके कन्फेशन में उनके निशानदेही पर हमने बबलू मंडल और चंदन कुमार इनको गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इस घटना में शामिल थे, और उन्होंने बांस के लकड़ी से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, बांस से और ईंट से, दोनों चीज़ से, बांस के डंडे से मिल के गला घोट के ये कृत्य किया था। और मेन जो इसका मोटिव है इस पूरे कांड का, वो मृतक का जो है वो विनय मंडल की पत्नी के साथ अवैध संबंध के बारे में ये बात प्रकाश में आ रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवगच्चा के मारवाड़ी धर्मशाला में जदयू से गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना बिहार सरकार की जीत है, भाजपा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ है और बीजेपी ने बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश भी की लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में वह अपनी पत्नी सविता देवी को मेयर बनाने के लिए प्रचार करेंगे। आज प्रदेश के आदेशानुसार बिहार के अंदर जो हमारे नीतीश कुमार ने या चुनाव आयोग ने अमुक अमुक तारीख को मतदान होना था, उन्होंने कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से या ऐसे माध्यम से अति पिछड़े को बरगलाने का काम किया। हम बहुत ज़्यादा नहीं, भागलपुर जिला में अति पिछड़ा महिला सीट है और यहाँ महिला सीट है, इसको बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को प्रताड़ित करता है, जबकि अति पिछड़ा की ही सरकार के द्वारा बनता है। आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र कुमार मोदी जी है, वो अति पिछड़ा के सहयोग, स्वयं अति पिछड़ा के सहयोग से बना है। हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर अति पिछड़ा की आबादी 65-70% होगा और बिहार के अंदर 45-55% की अति पिछड़ा की आबादी है और कितनों डिगडिगा ले, कितनों हल्ला कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये अति पिछड़ा की सरकार है, अति पिछड़ा पिछड़ा की सरकार रहेगी, सबों की बारी खत्म होगी। इसलिए प्रदेश के आदेशानुसार ये फिर आज दे दिया, जो हम लोग का तिथि था चुनाव का वही तिथि निर्धारित रहा, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं अति पिछड़ा सीट समाप्त किया जाए। अति पिछड़ा को जो छोड़ के चलेगा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग, गांधी शांति प्रतिष्ठान और भागलपुर के कई संस्थान की ओर से डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान देश विदेश के गणमान्य विद्वान, वक्ता, समाजसेवी और वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पद्मश्री प्रोफेसर रामजी सिंह गांधी विचार विभाग के संस्थापक अध्यक्ष थे और वह सांसद एवं कुलपति के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। साथ ही कहा कि वह जन जन और जन मानस के नेता होने के साथ कुशल वक्ता और समाजसेवी की भूमिका में भी रहे हैं। आज डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह, जो गांधी विचार विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। वे सांसद भी रहे, सर्वोदय के महान विचारक और लेखक भी रहे, कुलपति के पद पर भी उन्होंने सुशोभित किया। वो जन जन और जनमानस के नेता थे। सर्वोदय जगत में डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे एक ओजस्वी वक्ता, विचारक और समाज सेवी भी हैं। उनके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने अनुशंसा की, उनको पद्मश्री, पिछले वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया। ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे करके हम खुद गौरव और सम्मान का अनुभव करते हैं। भागलपुर के टीओपी बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन निर्माण अर्धनिर्मित सड़क के समीप एक गड्ढे में 2 नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वह इसके बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, जबकि इसकी जानकारी मिलने पर बाईपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई। दरअसल टीओपी बाईपास थाना क्षेत्र के सर्विस रोड के समीप फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जहाँ एक गड्ढे में 2 नवजात शिशु का शव मिला है। इसके बाद लोगों द्वारा वैध संबंध बनाने से जुड़े बच्चे के जन्म देने की आशंका जताई जा रही है, जबकि ठंड के मौसम में नवजात शिशु को सड़क किनारे फेंकने से दोनों बच्चे के मौत होने की बात कही जा रही है। इधर इसकी सूचना मिलते ही टीओपी बाईपास थानाध्यक्ष दरवल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गए।
भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 80 पर स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार अमखोरिया से भागलपुर की ओर जा रहा था, तभी लोधीपुर की ओर से आ रहे तेज स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वहां से फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचे बाईपास थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार ने स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। भागलपुर कजरैली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर ग्रामीणों और परिजनों की रजामंदी से शादी करने और फिर पत्नी द्वारा लड़के की हत्या करने की साजिश का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद अब युवक की प्रेमिका से पत्नी बनी महिला अपने पति के पास नहीं रहना चाहती है, जबकि इस मामले में लोगों का कहना है कि शादी के बाद प्रेमी युवक गुजरात में रहकर मजदूरी का कार्य करता था और बीते 2 वर्ष से युवक गुजरात में ही रहकर गुजर बसर कर रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि पत्नी को घर पर छोड़ वह हर महीने खर्च भेज दिया करता था, लेकिन इसी बीच पड़ोस के ही कुछ लोगों ने उस शख्स को फोन कर उसकी पत्नी का दूसरे के साथ अवैध संबंध होने की बात बताई। वहीं इसके बाद आनंद फानंद में युवक गुजरात से भागलपुर स्थित अपने घर पहुंचने के बाद पत्नी को लाने के लिए वह गोराडी थाना क्षेत्र से ससुराल गया। हालांकि पत्नी ने पहले उसे अपने मायके आने से मना किया, लेकिन उसके वहां पहुंचने पर देर रात जब युवक सोने गया तभी घर के सभी सदस्यों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे गोराडी थाना प्रभारी ने विवाद को देखकर महिला के पति से लड़की को छोड़ देने की बात कही। इसको लेकर पीड़ित पति ने कहा कि पुलिस ने उनसे कहा कि पत्नी जब आपके साथ मारपीट करती है तो हो सकता है कि कभी भी वह आपकी हत्या भी कर सकती है, जबकि यह कहकर पुलिस ने थाने में मामला भी दर्ज नहीं किया। इधर घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घर चली गई तो हम लाने गए उसको, तो सब चीज लेके गए, बच्चा के लिए जैकेट लेके गए और कपड़ा लेकर के गए, पैसा 15-20 हज़ार लेके गए। रहे उसके बाद 2-3 दिन रहे, उसके बाद उसको बोले चलो, तो बोला कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम उसको कितो पैसा कौड़ी देते थे, वो नामे नहीं लेती थी, बोलती थी तुम्हारे पास हम रहबे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बोलती थी। हम बोले जब नहीं रहोगी तो हमको लिख के दो तू, तो वो भी बोलती है कि हम नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हो गया कि हम सूझ गए, हम बोले कि नहीं जाओगी नहीं जाओगी, ऐसे करते करते सो गए हैं। सो गए तो क्या बाप बेटी में गुरमीट करी कि ऐसा ऐसा बात है, क्या करेंगे। उसका पापा बोला कि मारी दियो बेटा जान एकरा, बोल। तो बेटी क्या बोली, मारी दें। तो उसका भाई और उसका बाप पकड़ लिया मेरा पोता मारने के लिए, तो हम उसको उसका पापा को धक्का दे दिए ऐसे करके, हम अपना जान बचाने के लिए। तो उसका बेटा आया पीछे से एकदम छुरी मार दिया। कौन था, क्या नाम था उसका बेटा का? मुसाइद। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे जोधानी फूड कार्यालय में आयकर विभाग ने मारा छापा, जरूरी दस्तावेजों को किया जब्त। भागलपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राजद और जदयू पर कसा तंज, कहा सीएम की गंदी राजनीति से पिछड़ रहा है बिहार। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान, अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी। सिंगल यूज प्लास्टिक कारोबारियों से निगम प्रशासन ने वसूला जुर्माना, आम लोगों से उपयोग नहीं करने की अपील। और अवैध संबंध को लेकर हुई थी अनुज की हत्या, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया मामले का खुलासा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।